वहाँ से हम जैसे ही यहाँ पर आए, मैंने सोचा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, लेकिन यहाँ पर देखें यहाँ की सुबह कितनी ठंडी ठंडी हवा चली हुई है। मौसम यहाँ का भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे बारिशें हुई हैं ना, इसी वजह से आज भी देखें बादल बने हुए हैं, हवा चल रही है। मैं तो सुबह सुबह चाय पीने आई थी, यहाँ पर नाश्ता भी तैयार हो रहा है, चाय नहीं बनी बल्कि नाश्ता भी बन गया है। सबसे पहले जो है ना हम नाश्ता कर लेते हैं, चाय देखें शाली ने यहाँ पर रख दी है, चाय बन रही है, पहले नाश्ता कर लेती हूँ मैं। आपने नाश्ता कर लिया? मैंने कर लिया। अच्छा, आप दोनों ने कर लिए, मैं रह गई हूँ एक। आयू मेरा बीबी नींद से उठ गया, ठीक है सो जाओ सो जाओ, नाश्ता नहीं करना, नाश्ता नहीं करना। हाँ देखो जाग रही, मस्तियाँ कर रही है, मौके कर। अच्छा नहीं नहीं सो जाओ। नाश्ता करते करते हमारी चाय भी बन के तैयार होके आ गई यहाँ पर, अभी सब चाय पीने बैठे हैं। भाई यहाँ पर आके कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है, अपने गाँव आके अभी सांस वापस आ गई, खुशी हो रही है अपने गाँव आने की। अच्छा हमें चाय वहाँ इतनी अच्छी नहीं मिली जैसे कि यहाँ गांव की चाय होती है, ऐसा टेस्ट हमें कहीं पे भी नहीं मिला। वहाँ गुजारा तो चलो कहीं ना कहीं कर लेते थे, लेकिन टेस्ट ऐसा कहीं भी नहीं मिला। और मुझे तो सरप्राइज मिला है, फातिमा ने कहा है कि मुझे सालन भी बनाना आता है, तो आज मैं खुद सालन बनाऊंगी। आज का सालन फातिमा तैयार कर रही है। यहाँ पर देखें मसाले सब कर चुके हैं, यहाँ पर बे देखें बॉयल हो चुके हैं, और इनका सालन बनता भी बहुत मजे का है। काफी टाइम से हम बाहर का खा रहे थे, कभी चिकन कभी क्या, तो अब बहुत दिल कर रहा था कि सब्जी कोई बनाए, तो ये फातिमा ने कहा मुझे बहुत अच्छे से बनाने आता। यहाँ पर देखें सालन बे का तैयार हो गया, अभी मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया, इतना मजे का सालन चटपटा बनाया। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी कुछ ही देर पहले सबने नाश्ता किया है और अब मैं जा रही हूँ, खुद भी फ्रेश होती हूँ, बच्चों को भी फ्रेश कराती हूँ। गर्मी यहाँ पर पहले से कम है, जब हम शुरू में कराची से यहाँ पर आए थे तब तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, अब इतना नहीं है, और लोड शेडिंग जैसे बहुत ज़्यादा थी वो भी नहीं है, शुक्र है। लाइट भी खड़ी हुई है और रात को थोड़ा रेस्ट किया है, अब जाके तबीयत पहले से बेहतर है, जो लगातार सफ़र कर रहे थे ना उसकी वजह से ऐसा हो रहा था। बिल्कुल ठीक नहीं, लेकिन थोड़ी बेहतर हो गई है, तो अब जाती हूँ मैं फ्रेश होती हूँ। फातिमा ऐसे बोल रही है कि मुझे बनाने आता है लेकिन इतना टेस्टी नहीं होगा, इसके हाथों का टेस्ट वाकई में बहुत मज़े। तो अभी बस खाना स्टार्ट करते हैं, साथ में तंदूर की रोटी है, साथ में हमारा सालन भी तैयार हो गया है। अभी देखें धूप इतना तेज़ नहीं निकलती ना, वरना यहाँ पर एसी का पानी दिखता भी नहीं था। अब पहले से मौसम भी थोड़ा अच्छा हो गया, धूप कड़क वाली निकलती थी ना, वरना जैसे पहले एसी का पानी नीचे आता था ना, फौरन धूप से सूख जाता था, अब तो यहाँ तक जा रहा है। आए वेयर इज काशी भाई? हाँ वेयर इज काशी भाई? काशी है, कहाँ है काशी? वो देखो अभी चारा डाले ना, तो वो आपस में लड़ाई कर रही है। बस इसको ये गोट नहीं दिखती, ये बाबा ब्लैक शिप दिखती है, मारेगी। आई आ जाओ अंदर चलते हैं, आ जाओ। यहाँ पर सारे बच्चे बाहर खेलने के लिए निकल के आ गए, आए थे इनके साथ, इतना खुश है ना बाहर, आ ही नहीं रही अंदर। चलो फिर इसका ख्याल रखना, ठीक है। मैं और फातिमा अभी जा रहे हैं कहाँ कहाँ कहाँ, शानीबाजी के घर, काशिफ भाई के घर पे। तो जब हम इस्लामाबाद मॉल में घूमने गए थे उस टाइम पे काशिफ भाई को मैंने कहा था कि आप अपनी वाइफ के लिए पसंद करें जो भी आपको अच्छा लगे, आपने शायद वो ब्लॉग देखा होगा। तो वो ड्रेस अभी तक गाड़ी में पड़ा था, अभी मैंने इसको निकाला है, मैंने कहा चल के उनको देते हैं, वो अपनी वाइफ को गिफ्ट दें, तो मैं देखूँगी कि उनको कैसे खुशी होती है, अच्छा लगेगा इनकी तरफ से जब उनको गिफ्ट मिलेगा। हम घुमा फिरा के वहाँ से लाए हैं ना, अभी काशिफ भाई का दिल ही नहीं लग रहा, इतनी गर्मी होती है, इनको कहते हैं एसी लगवा के दें, अभी काशिफ भाई को एसी लगवा के देते हैं, सही है। ये हाल कहते हैं, कहाँ पे मुझे वो उजड़े चमन में लेकर आ गए हो, और क्या कहते हैं उजड़ा इलाका ये सर, उधर पहाड़ थे, पहाड़ों से मर रहा है, इधर गर्मी से मर रहा है, मैं कहाँ जाऊँ। वो लाए थे गिफ्ट, लाए थे ड्रेस, लाए थे अपनी वाइफ के लिए, आपने उनको सरप्राइज भी तो देना है, अच्छे से देना, खुश हो के ये पूरा पैकेट देना, वो खुद निकाल के देखेगी। देखें सारे इकट्ठे हो गए कि हमारी मामा को और हमारी आंटी को क्या गिफ्ट मिलने जा रहा है। चलो काशिफ भाई बोले तो सही, आपके लिए, ये आपके लिए, कहाँ से लिए? ये मॉल से लिया, बहुत बड़े मॉल से, इस्लामाबाद के मॉल, इस्लामाबाद की बहुत बड़ी मॉल से लिए है गिफ्ट, आपको जरूर पसंद आएगा, और बल्कि इन्होंने पहनना भी है, देखो बुनेंजा का है, हाँ वो भी बुनेंजा सतरंगी का है, हाँ इनको जरूर पसंद आएगा, और बल्कि ये पहन के कल घूमने चलना है साथ, ठीक है पक्की बात है ना, इनको ले चले फिर कल, बोले कि अच्छे से कल तैयार मेकअप भी करना है और फिर चलेंगे, फिर चलेंगे। तो ज्यादा खुशी नहीं है मुझे, हाँ। लगता है आपको ज्यादा खुशी है, यहाँ पर सब जमा हुए हैं, गांव के आसपास सारे जमा हो गए, सबके पांव दिखा सकती हूँ, वो भी सारे, हाँ जानवर भी सारे जमा हो गए। गिफ्ट की खुशी में शानी देखे हम सबके लिए भी यहाँ पर चाय भी बना रही है,
कप भी आ गए हैं, बर्तन सारे आ गए यहाँ पर हमारे लिए, लकड़ियों की आग पे बनी हुई चाय भी तैयार हो रही है, गिफ्ट भी मिल रहे हैं। और आपका रह गया अभी, आपका भी तो था ड्रेस। काशिप भाई को भी बहुत रास्ते में गिफ्ट मिले हैं। एक्शन, चलो ये दोनों ड्रेस भी आ गए जो काशिप भाई और मेरे हस्बैंड को मिले थे। भाई अभी इन दोनों की अनबॉक्सिंग करें और आप पसंद करें। फिर एक इनका था साथ में और एक आपका था जो आपको अच्छा लगे। अच्छा, क्यों? नहीं, दोनों कलर बहुत अच्छे हैं। ये क्रीम कलर है, ये वाला कलर, ये भी वैसे अच्छा है। काशिप भाई आपको जो अच्छा लगे। हाँ नहीं नहीं, आप बताएं, आप खुश हैं इस कलर के लिए? अच्छा है ना? चलो ये ठीक है, ये इनकी तो लड़ाई हो गई। नहीं हाँ, काशिप भाई तो जो भी पहन लेना वो अच्छा लगेगा इनको। वैसे ये वाला कलर आप पे अच्छा लगेगा, वो क्रीम कलर काशिप भाई आप पे अच्छा लगेगा। चलो ठीक है, ठीक है, आप राजी हो अपने ड्रेस के लिए? चलो ठीक है, दोनों का ड्रेस बहुत प्यार। इसके अलावा काशिप भाई ये भी आपका ही गिफ्ट है, ये भी सब्सक्राइबर की तरफ से, वहाँ पर आप गए थे ना, सब्सक्राइबर ने आपको दिए थे। आप उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बोलेंगे? बस दुआएं हमारी उसके साथ है, दुआएं हैं। चलो ये दुआ भी बहुत बड़ी बात है कि दुआएं मिल रही हैं उनको। इधर तो देखो, अपने अब्बू को मिस किया था? हाँ किया था या नहीं किया था, सच बताना? किया था। क्या दिल कर रहा था कि आ जाए या फिर उड़ के वहाँ चला जाऊँ? और सुहेल तुम्हारा क्या दिल किया था? मेरा दिल किया था कि ये नहीं आए, ये नहीं आए। याद नहीं किया था? इसको लेके नहीं गया। अच्छा, इसको लेके नहीं गया इस वजह से। बस सबने पी ली और एंड में मेरी चेयर रहेगी वीडियो बनाते हुए। बस ये फोन आ गया था फारूक भाई का, चाय का कलर तो बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, बताए कैसे? ठीक है, कलर बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे शानी के हाथ की चाय ना बहुत मज़े की होती है, शानी बनाए या फिर अलीशिबा बनाए, चाय हमेशा मज़े की बनती है इनकी। और यहाँ पर अभी लाइन से सब जा रहे हैं घास काटने के लिए, बादल ऐसे बने हैं जैसे अंधेरा हो गया आज ना जल्दी जल्दी। और मैं जैसी हूँ, आयत भी देखे पीछे भागते हुए रोते हुए आ गई है, सारे बच्चे पीछे आते हैं मैं जहाँ पे भी जाऊँ। मुस्तफ़ा अगर गाँव में रहता होता ना तो बहुत पहनती है, मुस्तफ़ा बहुत काम करता है ऐसे। पूरा दिन घूम घूम के मुस्तफ़ा फिर से काला हो गया। मुस्तफ़ा को गाँव रास नहीं आता, धूप में सारा दिन घूमता है ना। ऐसा वाला घास था जैसे ये वाला घास है ना, ऐसा ग्रीनरी वाला, ऐसा बहुत ज्यादा था वहाँ पहाड़ों पे। अभी तकरीबन 2 महीने तक कपास भी देखना निकल के आ जाएगी। कपास को 2 महीने हो रहे हैं, 2 महीने तक वापस हम कपास चुनने के लिए आ जाएंगे। जब कपास निकलेगी ना तो देखना, मैं सबसे ज्यादा चुनूंगी, है ना मुस्तफ़ा? हाँ, फिर बेच के ना कपास को फिर चीज खाएंगे काशिप भाई की दुकान से। काशिप भाई की दुकान उस उन दिनों पे बड़ी बिक्री होती है जब ये कपास चुनते हैं ना, सारे बच्चे यहाँ से कपास निकाल के वो करते हैं, काशिप भाई की दुकान पे देते हैं और बहुत सारी चीज़ लेते हैं। इतना आगे चली गई है वो, देखो वह एंड तक काटने के लिए चली गई है। आज शारी ने मुझे मौका ही नहीं दिया, वरना मैं ज़रूर घास कटवाती। आप कहाँ आ रही हो पीछे पीछे? हाँ सबके साथ पीछे पीछे आ गई, अभी अंदर गिर जाती आयत। आराम से आराम से आराम से। जी मम्मा हैंड दूँ आपको, आ जाओ। ठहरो ठहरो, मम्मा आ रही है, मम्मा खुद आ रही है, सबर करो सबर करो। ये चले वापस घर चले आए, आ जाओ वापस घर चलते हैं। और ये देखें, ये हमारा मेहनती काशिप भाई घास काट के जा रहा है, ख्याल से आए आए साइड पे जगा दो। अभी तो इसके फूल बने हुए हैं, ये रहे नीचे, इनके अंदर से अभी कपास निकलेगी। ये देखो अभी पक रहा है, अभी इनके अंदर से निकलेगी तकरीबन 2 महीने तक। ये वाले थोड़े से बड़े हो गए, इनके अंदर से कपास निकलती है। इनके फूल अलग होते हैं और ये कपास वाला ये अलग होता है, ऐसे गोल गोल सा है, फ्रूट जैसा दिख रहा है ये। बोलो क्या बोल रहे थे? ये गोगड़ा क्या? क्या बोलते हैं इसको? गोगड़ा। गोगड़ा बोलते हैं? हाँ। खा सकते हैं इसको? नहीं नहीं खा सकते। आज नहीं जा रहे आप डॉक्टर के पास उसे लेके? नहीं, नहीं? चलो यहाँ पर तो मेहनत चल रही है, कब से मुजम्मिल मेहनत किया जा रहा है और इतना तेजी से घास काट रहा है। हाँ मुजम्मिल, किसके लिए? बकरियों के लिए। बकरियों के लिए इतना सारा तो तुम्हारी अम्मी काट के आई है वहाँ से। इसकी अपनी बकरियां हैं। हाँ तुम्हारी अलग से है बकरी कोई? हाँ, मारे। हाँ? हाँ क्या नाम है बकरी का? मारियो। शहजादी। ऊपर हाँ। तो देखो शर्मा कैसे रहे, शहजादी है इसकी। शहजादी मारियो। शहजादी मारियो है। हाँ चल रहे चल रहे। और ये रही हमारी पंजाब की सारी लड़कियां जो सारा दिन मुझे एंटरटेन करती हैं, मेरे साथ रहती हैं, मुझे बिल्कुल बोर नहीं होने देती। और अगर कोई सालन रोटी कुछ भी बनाना होता है ना, ये सारी एक साथ ऐसे मिल जाती हैं। एक ने लकड़ियां उठा ली, एक ने आग जला ली, एक ने चमचा चला दिया, एक ने सब्जी काट दी, ऐसे जल्दी जल्दी यहाँ पर खाना बनता है।
तो ये सारी हमेशा हर टाइम मेरे साथ होती है जी। और इस साइड पर जमीन है, जमीनों से इस साइड पर भी हमारे घर का गेट है, तो इस साइड से हम वापस आ गए। सबने यहाँ पर घास काटा है थोड़ा थोड़ा, बहुत सबने बच्चों ने मिलके बहुत ज्यादा इंजॉय किया, अच्छा लगा। अभी देखे यहाँ पर दूध निकाल रहे हैं जानवरों का, तो वो भी चल के मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा गांव का माहौल भी दिखाती। ओह मुझे देख के मारेगी तो नहीं ना? नहीं अच्छा, मैं पास नहीं आ रही, पास नहीं आ रही, नहीं मारेगी मुझे। पहले सुबह से ये रात तक पूरा दिन पेट भर के खाना खाती हैं और शाम को दूध देती हैं, जो कि यहाँ गांव वालों का गुजारा होता है इसके दूध से। पहले ज्यादा था ना अलिशबा, पहले लोग यहाँ से लेने भी आया करते थे, अभी इनके घर को ही पूरा हो जाता है बस। इनकी तबीयत खराब है, अच्छी तबीयत भी खराब है, और दूसरी बात कि ना वो जो छोटा इसका बेबी, एक साइड का वो पीता है और एक साइड का ये घर के लिए निकाल के रखते हैं। सुनने का जगह बहुत टाइम हो गया, आज अंदर चलते हैं, अभी भी इसको बाहर घूमना है। आया छोड़ दो मम्मा, अंदर चलते हैं। वो देखो बाहर डॉगी आया हुआ, डॉगी डॉग कितनी देर पहले देखा था? दो तीन मिनट पहले देखा है। हाँ। तो अभी तो कब से देख रहे हैं, कहीं मिल ही नहीं रही। देखा पता यहाँ पर गलती बकुकाते ही बने मार का, फिर जब पहले थे देखा नहीं थी। इधर से भी सारा देख लिया, इस साइड से। हाँ, भी देखा है, नहीं मिली। तो अभी उसी टाइम के जैसे मैं घर पर आई हूँ ना, हमारी माँ कुछ ही देर पहले थी, मैंने खुद भी देखा है। तो जैसे अंदर जाके चारपाई पे बैठे हैं, एकदम से पता चला कि माँ गायब हो गई है। तो उसी टाइम का बाहर सारे बच्चे ढूंढने के लिए निकले हैं कि अभी तो अंधेरा हो गया, रात हो गई है, और यहाँ पर इतनी बड़े बड़े खेत हैं, ज़मीनें हैं, तो उसके लिए भी डर लग रहा है कि पता नहीं कहाँ आगे चली गई होगी। यहाँ बस्ती में जितने भी बच्चे हैं सारे उसे ढूंढ रहे हैं, टेंशन हो रही है ना, माँ भाग जाए ना, बहुत डर लगता है कि वो इतने बड़े बड़े खेत हैं, इनमें अगर घुस गई ना तो वो आगे और डर जाएगी। इस वाले सामने वाले खेत में देखा है, सामने वाले में इधर जामन दरख्तों के ऊपर भी चढ़ती है। हाँ दरख्तों के ऊपर चढ़ जाती है। हाँ यहाँ नहीं है, है? मुस्तफा नहीं जाओ आगे, ऐसे मजाक मत करो मुस्तफा, सच में ढूंढो उसे, ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं कहां, पता नहीं कहाँ आगे ना ज्यादा चली गई हो। उस साइड से देखिए, नहीं उधर ज्यादा अंधेरा, पहले इधर से तो देख लो, यहाँ सारे दरख्तों के नीचे इधर देखते हैं, फिर आगे उठा कर आते हैं ऊपर। हाँ हाँ, और हाँ लाइट भी चली गई, लाइट भी चली गई। और दूसरी बात ये भी है कि हमारी माँ जो है ना वो गर्मी में भी नहीं रह सकती, वो एसी की आदी है, मतलब ठंडी जगह पे रहने की आदी है। उनकी जो नस्ल हमने ली थी ना, वो ऐसी नस्लें हैं जो ठंडक में रहती हैं, गर्मी उनसे बर्दाश्त भी नहीं होती, तो अंदर पड़ी रहती है, हम उसको बाहर नहीं निकालते, बाहर जैसे निकलती इधर उधर भागना शुरू हो जाती। मिल गई ना? हाँ, शुक्र, दुआ मांगी मैंने, हमने कहा या अल्लाह हमें माँ मिल जाए। अल्लाह माँ के लिए इतना परेशान थे कि माँ हमारी चीज बांटने का नाम सुन के माँ वापस आ गई, इतना डरा दिया, रो रही है, पता नहीं कहाँ पर थी, खेतों में भाग गई थी। ले चलो इसे अंदर, बाहर इसके पाँव पे कीड़ा है। हाँ बाहर से गर्मी भी हो रही है, अंदर ले चलो, काटेगी, अब गुस्से में आ गई है। इतने मुश्किल से मिली है, सब बच्चे रोने वाले हो गए थे, सबकी है गई है, डरी हुई है वो, पता नहीं कहाँ खेतों में भाग गई थी। बच्चे मस्जिद में चीज बांटने जा रहे थे कि हमारी माँ कहीं ना कहीं मिल जाए। हाँ आयत भी परेशान हो गए, शुक्र है चीज बांटते, चलो आप चीज जरूर बांटेंगे मस्जिद में, ठीक है? हाँ हाँ, पहले यही काम करना सही है मुस्तफा, अभी ये बोला था ना तो मस्जिद में, अब तैयबा और मुस्तफा दोनों जाकर चीज बांटेंगे माओ के लिए, माओ हमारी वापस आ गई। इतनी ज्यादा खुशी है, जैसे जान में जान आ गई, हमारी माओ वापस आ गई है। और माओ को आपने निकालना, आप बिल्कुल भी उसको बाहर मत लेकर आना, ये एकदम से ऐसे डर गए, एक दो बार इसने पहले भी हरकत की है, माओ इधर उधर भाग गई है ना, रो रही थी जब उसे पकड़ा। हाँ माओ रो रही थी, डरी हुई थी वो बहुत ज्यादा। तो अभी जो है ना हम जा रहे हैं शानी के घर पे, देखते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं। ये बच्चे तो सारे मेरे दीवाने हैं ना, कोई एक भी मेरी जान नहीं छोड़ता, सारे मेरे साथ रहते हैं। हाँ हमारी माओ गुम हो गई थी और मुजम्मिल वही खबर सुना रहा है, इतनी मुश्किल से मिली है ना आज, हमने कहा बस आज वापस नहीं आएगी, इतने अंधेरे में गई है। काशे भाई शुक्र पड़े आपको नहीं मौका मिला उठाने का, अभी मैं आपको लेने के लिए आ रही थी के आगे हमें डर लग रहा था, हमने कहा जमीनों में जाएं, लाइटें मारें, ढूंढें। अच्छा। ये शुक्र है वापस मिल गई है, घर आई हुई थी वापस, कहाँ थी? वो खजूर के नीचे, वहाँ से आते ही मुझे इतना ज्यादा प्यास लग रही थी। और काशिफ भाई के घर देखे, इतना ठंडा ठंडा पानी का कूलर बना हुआ है, मैं अब यहाँ से मग भर के पानी का पी के जाऊंगी। लगता है काशिफ भाई आपका कूलर भी खत्म होने वाला है, सब तो यहाँ से पीते हैं पानी। हाँ कम हो रहा है,
अच्छा लाइट तो चली गई है, साथ साथ अभी आंधी और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। अभी है तो फुल अंधेरा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हवा बहुत तेज है, सब कुछ उड़ रहा है और ये बूंदाबांदी जो इधर उड़ उड़ के आ रही है। जानवर भी सारे खुश हो गए, मौसम अच्छा हो गया है। चलो आयत चलो घर चले। यहाँ पर देखो बूंदा, आ जाओ सब, अपनी चार पाया भी निकाल कर सब, हर कोई अंदर रख रहा है। बारिश तेज हो रही है। हाँ भीग के आ गया सुहेल, सब बच्चे भीग रहे हैं, अंदर नहीं बैठ रहे, बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। अभी एंजॉय करोगे? हाँ। एकदम से ऐसी बारिश और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल पड़ी है ना, मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया। आज दिन में गर्मी थी तो इसी वजह से सब बाहर निकल के आ गए, एकदम से तेज आंधी चल पड़ी और बहुत मजा आ रहा है। और मेरे हस्बैंड के भी पूरे कपड़े भीग गए हैं। आपको नहाना है? बहुत अंधेरा हो गया, देखो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, अंदर चलो। अच्छा अंदर चल के नहाना। गेट इतना तेजी से बंद हो रहा है, चलो चलो अंदर सब। बारिश तेज हो गई है, बारिश तेज हो गई एकदम। चलो मुस्तफा आप भी अंदर चलो, बहुत बारिश है मेरा बच्चा। नहीं नहीं माँ को खेलने दो, माँ को बल्कि अंदर बैठने दो, बाहर नहीं जाएगी। बाहर जाती है और फिर गुम हो जाती है, अंदर ही रहने दो इसे। को ऐसी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी कि मुझे फौरन नींद आ गई। अभी मैंने देखा व्लॉग एंड नहीं था तो मैंने सोचा व्लॉग एंड कर देती हूँ। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसके अलावा मेरे हस्बैंड की जो दूसरी वाइफ है, उसका हर कोई पूछ रहा था कि आप आए, उसका नहीं बताया वो कैसी है। वो बिल्कुल ठीक है, उसका लास्ट मंथ चल रहा है, आज या कल जैसे डॉक्टर को दिखाने के लिए जाएंगे। डॉक्टर ने जो डेट देनी होगी वो अभी कन्फर्म नहीं है कि कब डिलीवरी होगी। फिलहाल तो अभी वो बिल्कुल ठीक है, उसकी तबीयत सब कुछ फ्रेश है। तो अभी मैं इस व्लॉग को भी एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।